हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो लेट्स मेक मैगी टुडे। ये मैगी बचपन में मम्मी हमें बना के देती थी, इन दैट वे मैंने सिमिलरली उसी तरीके से बनाया है। सो डू चेक आउट एंड बहुत इजी है। सो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बनाना। सबसे पहले हमें चाहिए मैगी, तो हमारे पास यहाँ पे है 5 पैकेट मैगी 10 रुपीज़ वाला। देन हमें यहाँ पे चाहिए मैगी मसाला ऑब्वियसली। उसके बाद हमारे पास है बॉयल्ड चॉप्ड पोटैटोज, देन वी हैव चॉप्ड टोमेटोज, एंड देन हमें चाहिए ग्रीन चिली तीखे के लिए, एंड देन वी हैव चॉप्ड अनियन, और नमक एंड हल्दी हमें चाहिए। तो सबसे पहले एकदम गर्म पानी में मैंने मैगी को डाल दिया है। सारे मैगी के पैकेट में डाल दूंगी, और ये इसलिए ताकि मैगी बॉयल हो जाए। मैं डायरेक्टली गैस पे इसे बॉयल नहीं करूंगी, बिकॉज मैगी बहुत सॉफ्ट हो जाता है, सॉगी हो जाता है, इसलिए हम जस्ट गर्म पानी में उसे अच्छे से भिगो के रखेंगे करीब 4 to 5 मिनट्स, और ये बॉयल हो जाएगा। आफ्टर 4 to 5 मिनट्स हम इसे देखेंगे कि ये बॉयल हो गया है, एंड एज यू कैन सी कि ये बिल्कुल अच्छे से बॉयल हुआ है। जनरली हम जैसे बॉयल करते हैं एग्जैक्टली इन दैट वे। तो हम अभी इस पानी को स्ट्रेन कर देंगे एंड अपने नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। तो बॉयल हो चुका है, पानी भी हमने स्ट्रेन कर लिया है। तो ताकि ये चिपक ना जाए, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। कोई भी ऑयल हो, रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एंड स्पून या स्पैचुला की मदद से हम इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे, बिकॉज ज़्यादा मिक्स करने जाएंगे तो ये भरता बन जाएगा, बिकॉज मैगी ऑलरेडी सॉफ्ट है। फिर फ्राइंग पैन में हम ऐड करेंगे ऑयल, कोई भी ऑयल अपने पसंद का। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें देंगे चॉप्ड अनियंस अपने हिसाब से, जितना हमें चाहिए उतना। फिर इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे। इसे थोड़ा कुक होने के बाद हम ऐड करेंगे चॉप्ड टोमेटो, एंड ताकि टोमेटोज जो है वो अच्छे से कुक हो, हम ऐड करेंगे नमक। और नमक ऐड करने से टोमेटो जल्दी कुक होते हैं, इसलिए उसको भी थोड़ा भूनने के बाद हम अभी ऐड करेंगे आलू जो हमने बॉयल करके रखा था, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। सिंस आलू बॉयल्ड है, इसलिए हमें स्लोली स्लोली करना है। फिर हम ऐड करेंगे हल्दी, एंड अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, एंड मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर कुक करना है। फिर हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज, मैंने यहाँ पे 5 ग्रीन चिलीज दिया है, और जो तीखा है वो अपने हिसाब से देना है। तो इसको भी थोड़ी देर कुक करेंगे, एंड देन हम ऐड करेंगे एक मसाला मैगी का पैकेट। और जो 5 मसाले थे हमारे पास, उसमें से एक मैंने मसाला कुक होने के टाइम पे दे दिया है, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। देन हम ऐड कर देंगे बॉयल्ड मैगी, एंड इसे हम करेंगे अच्छे से कुक, और मिक्स अच्छे से करना है। और ये टाइम ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज मैगी को मसाले के साथ मिक्स करना थोड़ा सा हार्ड लगता है मुझे, बट मैंने ऑलरेडी कर लिया है, एंड दैट्स इट।